बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अरबों को ऊँट का गोश्त खाने की आदत है, इसलिए उनकी तबीयत में सख्ती का अंसर पाया जाता है। तुर्कों को घोड़े का गोश्त खाने की आदत है, इसलिए उनमें ताकत, जुरत, अक्कड़पन का अंसर ज़्यादा पाया जाता है। अंग्रेज़ों को खिंजीर का गोश्त खाने की आदत है, इसलिए उनमें फहाशी वगैरह का अंसर ज़्यादा पाया जाता है। हबशी अफ्रीकी बंदर खाते हैं, इसलिए उनमें नाच गाने की तरफ मैलान ज़्यादा पाया जाता है। इब्नुल कैम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसको जिस इंसान के साथ या हैवान के साथ उन्स होता है, उनकी तबीयत में उस हैवान की आदतें गैर शौरी तौर पर शामिल हो जाती हैं, और जब वो उस हैवान का गोश्त खाने लग जाए तो इस हैवान के साथ मुशाबियत में मज़ीद इजाफा हो जाता है। हमारे ज़माने में फार्मी मुर्गी खाने का रिवाज बन चुका है, चुनाचा हम भी मुर्गियों की तरह सुबह शाम चूँचू तो बहुत करते हैं, लेकिन एक एक करके हमें ज़िबह कर दिया जाता है। फार्मी मुर्गी का गोश्त खाने की वजह से हम में सुस्ती, काहली, एक जगह टिक कर बैठने की, सर झुका कर चलने की और पस्ती में रहने की आदतें पैदा हो चुकी हैं। व्यूवर्स, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल टी लीफ सिनेमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।